हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा जा रहा है नवरात्रि? वेल, ये मैं अपनी ड्रेस निकाला है पहनने के लिए। ये वक्त बहुत ही कह सकते हैं ना, मेहनत वाला, परेशान वाला वक्त था ये। जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी, ये ब्लॉग एक्चुअली मैं डाल नहीं पाई थी उस वक्त। मैं इतनी परेशान थी, आप देख रहे हो घर की हालत। ऐसे में हम रह रहे थे, ऐसे में ही घर के काम हो रहे थे, क्योंकि जब इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो बहुत सारे काम अधूरे रह गए थे। ये देखिए, बर्तन सारे धुल के रखे हैं। सो क्योंकि मैं व्लॉग तो बना रही थी उस वक्त पे, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं एडिट करके डाल सकूँ। बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी। तो सोचा चलो ये वाले पल भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ व्लॉग के द्वारा। क्यों डिलीट करूँ, इतनी मेहनत से मैंने रिकॉर्ड किया है। हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे हो। और नवरात्रि कैसे जा रही है? आई होप सो सभी की नवरात्रि बढ़िया वाली जा रही है, और पूजा पाठ के साथ वेट लॉस भी हो रहा हो। जब आपका वेट डाउन दिखता हुआ हो मशीन पे, और जब आपके इंचेस कम होते हुए दिखें कपड़ों में, तो इतनी खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां मिल चुकी हूँ। बिकॉज मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। क्या पूरा जिया है मैंने पूरी जर्नी को। एंड पता नहीं है क्यों ऐसे दिख रहा है, यहाँ के निशान है एक्चुअली में, ये कुछ गोजा वोजा नहीं गया है। जब इंच लॉस होते हैं, और जब आपके पुराने कुर्ते, पुराना ब्लाउज जब ढीला आ जाता है, लूज आ जाता है, कोई ड्रेस फिट हो जाती है, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। यहाँ पे मैं अनाउंस करने आई हूँ करवा चौथ के लिए वो 7 डेज का डिटॉक्स प्रोग्राम, जहां पे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स तो करोगे और इंच लॉस भी काफी होगा। सो 20 तारीख को क्योंकि है करवा चौथ, और आपको चाहिए कि आपके अच्छे खासे इंच लॉस हो जाए। सो आपको पता ही है जो डिटॉक्स प्रोग्राम होता है वो मोस्टली 3 डेज 5 डेज या मैक्सिमम 7 डेज के लिए होता है। वो ऐसा नहीं कि आप 14 डेज तक कर रहे हो या महीने भर तक कर रहे हो, है ना, ऐसे नहीं होता है। वो मैक्सिमम 7 डेज के लिए होता है, लेकिन उसमें आपका अंदर से इतने अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, पहला बेनिफिट, आपकी स्किन इतनी ग्लो कर जाती है कि आप बिलीव ही नहीं करोगे कि अच्छा 7 दिन में ऐसे कैसे हो सकता है, होता है। एंड यू फील एनर्जेटिक फॉर दी नेक्स्ट जो फेस्टिवल आ रहे हैं, लाइक करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रहा है, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे, बिकॉज आपके ऑलरेडी इंच लॉस हो जाएंगे। सो इफ यू वॉन्ट टू लुक गुड ऑन योर करवा चौथ, एंड इफ यू वॉन्ट टू श्रेड समथिंग एक्स्ट्रा किलोज और समथिंग एक्स्ट्रा इंचेस फ्रॉम योर बॉडी, सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस 7 डेज का डिटॉक्स प्रोग्राम, जहां पे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। हाँ, इसकी एक शर्त जरूर है कि इसमें हेल्थ इशू वाला नॉट अलाउड। जिनको कोई भी हेल्थ इशू है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई बच्चे को फीड करा रहा है, किसी को हाईली बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन वाला इंसान है, थायराइड कैन, पीसीओडी कैन एंटर इन दिस, बट बीपी वाले, डायबिटीज वाले एंड एनी अदर हेल्थ इशू, दे आर नॉट अलाउड। थायराइड एंड पीसीओडी कर सकते हैं ना, स्पेशली जब आप रेडी होगे या कोई ड्रेस वगैरह पहनोगे, तो यू फील के यार सच में मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया था एनरोल करके। सो जैसे कि मैं 14 डेज का हर मंथ लेके आती हूँ वेट लॉस चैलेंज, तब आप लोग बोलोगे कि 7 डेज डिटॉक्स भी लेके आया करो, बिकॉज अच्छे खासे बेनिफिट मिलते हैं। वेट मशीन में वेट नहीं दिखेगा, जितना आपके कर्व्स में, आपके कहते हैं ना अंडर आर्म्स, आपकी टमी साइड, आपके साइड, आपके लव हैंडल्स, क्योंकि डिटॉक्स में तो आपको डबल बेनिफिट मिलने वाले हैं। मैं अपना स्क्रीन पे नंबर दे देती हूँ आपको, आप एनरोल कर लीजिए। आज से ही स्टार्ट हो गया एनरोलमेंट, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। और वही मिनिमम फीस है जो पहले थी, 499 फॉर 7 डेज डिटॉक्स प्रोग्राम के लिए। एंड ये स्टार्ट कब हो जाएगा, क्योंकि आज है, आज डेट कितना है पता नहीं यार, रुको, नहीं आज 9 है, 10 11, हाँ आज क्योंकि 9 अक्टूबर है, तो आपके पास 9 10 11 12 चार दिन है एनरोल के लिए। 13 को ये स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास आगे दिन नहीं बचा है, क्योंकि 14 डेज में क्या होता है ना, बाद में भी लोग आते हैं तो ग्रुप वो एक्सटेंड हो जाता है, बट यहाँ पे तो 20 तारीख को करवा ही चौथ है, तो 13 14 15 16 17 18 19, सो 7 डेज का ये डिटॉक्स रहेगा। ठीक है, जल्दी से व्हाट्सअप करिए फॉर द एनरोलमेंट, और मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है। बाकी बातें और भी कुछ याद आएगा तो मैं बाद में बता दूंगी। जो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो जब भी आप घर शिफ्ट करते हो, चाहे आप रेंटल अपार्टमेंट में करो या खुद के घर में करो,
बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है शिफ्ट होने के बाद उसको सेट करना, उसको क्लीन करना। अभी प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग लोग भी होते हैं, किसी किसी को नॉर्मली सेट कर लेते हैं बट किसी को थोड़ी सी बीमारी भी होती है। मुझे थोड़ी सी मेंटली ये बीमारी है कि अगर कोई भी चीज़ अच्छे से सेट नहीं हुई है या क्लीन नहीं हुई है, अगर कोई सामान है उसके पीछे डस्ट लगी है या कुछ कूड़ा पड़ा है, तो मेरे को ना थोड़ी सी मेंटली मुझे सर दर्द होने लगता है। मुझे इवन मुझे नेगेटिव थॉट भी आने लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई ये है मेरे साथ प्रॉब्लम। और इट्स नॉट अबाउट कि खुद का घर है या रेंटल का घर है। आप हमेशा देखो, जब भी मैंने शिफ्टिंग करी है, मैंने अपने हमेशा घर को अच्छे से क्लीन करके रखा है, संवार के रखा। हाँ, जो रेगुलर बेसिस पे मैसी होता है वो बच्चा घर में वो तो रहता ही, बट मैसी और गंदगी में दोनों में फ़र्क होता है ना। सो यहाँ पे एक्चुअली मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे कुछ ब्रेकफास्ट में खाने को मिल जाए। मुझे पोहा भी नहीं मिला। अब यहाँ पे ये सर्च हो रही, क्योंकि क्या था ना, जब हमें इधर से इधर आना था तो हमने राशन नहीं डलवाया था, जो थोड़ा बहुत बचा था डब्बों में वही था। हमने कहा राशन भरवा के करेंगे क्या, वहाँ सब जाएगा इधर उधर हो जाएगा, सब साफ़ सुथरा करके ही नया राशन भरेंगे। अब कुछ मिला नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बेटे को मैं अगस्त्या को ये ब्रेड और चॉकलेट ब्रेड पीनट बटर लगा के दे देती हूँ। अब थी मेरी बारी, अब मुझे तो ये खाना नहीं था। अब कहने को तो कहते हैं ना, दूसरे लोग बोले अरे क्या चोचले हैं, इतनी मुसीबत में भी डाइट दिख रही। इट्स नॉट अबाउट डाइट। आप नोटिस करो, मेरा इस टाइम पे ना, मैं 50 kg की हो गई थी, मेरा वज़न कम हो गया था। मैं चाहती ना तो 4 दिन बाहर का खा के भी अपना वज़न वो गेन कर लेती, हालांकि वो बाद में फिर मैंने 2 किलो बढ़ाया, बिकॉज इट्स नॉट गुड कि आप अंडर वेट हो जाओ, है ना। तो मेरा 49 point something हो गया था, बिकॉज इतना स्ट्रेस और कुछ एक्स्ट्रा खाने को, मतलब खाने को वैसा नहीं मिला जो दिन भर खाती रहती हूँ। मुझे तो अब होता क्या है कि ज़रूरी नहीं अगर मेरा वेट कम हो गया तो मैं बाहर का खा लूँ। इट्स नॉट ऑल अबाउट ऑल द टाइम वेट लॉस का प्रॉब्लम नहीं होता है कि मेरा तो वज़न कम था तो मुझे खा लेना चाहिए था। नो, हमेशा वज़न कम करना या ज़्यादा करना ये मैटर नहीं रहता। मैटर ये रहता है कि आपका हेल्दी माइंडसेट है मेरा। सो ये बात जो मैं बोल रही हूँ ये इस दिन की नहीं है, जब मैंने ये मतलब वीडियो शूट कर रही हूँ। ये तो आई थिंक 5th या 6th डे है जब मैं शिफ्ट हो गई थी स्टार्टिंग का। जिस दिन शिफ्ट हुई थी उसके नेक्स्ट डे तीन दिन के बाद से खाना बनाने लगी थी। सो आज सुबह मैंने सोचा था पोहा बनाती हूँ, तो पर कुछ मिला ही नहीं, तो फिर मैंने कुछ नहीं खाया। मतलब मुझे ब्रेड भी मन नहीं था खाने का, तो फिर मैं सीधे दोपहर में लंच किया और मैंने खाया क्या, फिर मैंने ओट्स रखा हुआ था, ओट्स की खीर बनाई थी, मैंने वही खाया। इवन पूरे उसमें शिफ्टिंग के दौरान मैंने ओट्स की खीर ही खाई है मॉर्निंग में। सो ये आ गए कान्हा जी, और इनको अभी मैं उठा के लेके आई हूँ, इनको भी मैं मिल्क वगैरह दे दूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो ये रहा लंच हमारा। देखिए लंच बन गया है, और लंच में बना है लौकी की सब्ज़ी, मक्के की रोटी, तो वही मैं अभी लंच करूँगी। सो इस टाइम पे मुझे इतनी ज़बरदस्त भूख लगी थी, मुझे आज भी याद है, इसलिए मैंने कोई साफ़ सफाई नहीं की। आपने देखा होगा मेरा गैस वगैरह बड़ा गंदा है क्योंकि अभी कुक किया है, बट मैंने कहा पहले मैं पेट पूजा कर लूँ, उसके बाद ही मैं सब पोछा पाछी करूँगी। और ज़्यादा इस टाइम क्लीनिंग भी नहीं करनी थी क्योंकि बहुत सामान फैला हुआ था। तो ये देखिए मक्के की रोटी बनाई है, और मक्के की रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है लौकी की सब्ज़ी के साथ, कभी ट्राई करना, बहुत यम लगती है। तो ये 2 रोटी मेरे बेटे की रखी थी, वो क्योंकि सुबह उसने ब्रेड पीनट बटर वगैरह खाया तो उसको भूख नहीं लग रही थी। मैंने बहुत जल्दी खा लिया था खाना 12 बजे। सो फिर दोपहर में मैं गई थी अपने पहले वाले फ्लैट पे, वो भी आगे क्लिप देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे मेरा आ गया फ़िल्टर, सो मैंने फ़िल्टर लगवाया। तो ये एक्चुअली मैं बता दूं, अभी प्रेजेंट का नहीं, उसी वक्त का वीडियो है, मैंने रिकॉर्ड किया था, सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलो फाइनली फ़िल्टर भी लग गया, अब इसको एक बार भरने देना है, उसके बाद पूरा बहाना है, उसके बाद हम यूज़ कर पाएंगे। 3 दिन से हम ये बॉटल के सहारे थे, ये रखी। सो फिल्टर लग गया है, उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो शूज़ वगैरह लगाती हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे अपना सामान लगाया मैंने। और अभी एक्चुअली एक ब्लॉग और है विसर्जन का, वो भी मैंने नहीं डाला, गणपति विसर्जन का। क्या करें यार, टाइम ही नहीं मिला मेरे को कि मैं एडिट करके डाल सकूँ। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे शूज़ जो मैंने अभी तक पहने नहीं हैं। सो यहाँ सामने मेरी हेल्पर भी खड़ी हुई, वो देख रही थी मुझे, वो कहने लगी थी आपके पास इतने शूज़। मैंने कहा इतने तो नहीं है, हाँ तो 5-6 ही, बट ये है कि पहनती नहीं हूँ क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ इतना। तो मेरे सारे चप्पल वगैरह ये नए हैं, तो इसीलिए मैंने अंदर रख रखे हैं, और एक जोड़ा मैंने बाहर रखा है जो मैं रेगुलर में पहनती हूँ। तो
ये जो आंटी है ना, इन्होंने बोला इनके पास चप्पल नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो मैं कुछ ला के दे नहीं सकती, इसी में से फिर मैंने नया बिल्कुल चप्पल इनको गिफ्ट। हमेशा याद रखना, दिस इज़ माई थाट, मैं ये नहीं कह रही कि आप भी करो। कभी भी कोई भी आपसे पैर में पहनने वाली चीज़ लाइक शूज़ है, चप्पल है या बच्चों की चप्पल है, कभी भी आप देखो किसी को ज़रूरत है या आपसे कोई मांगे, अगर आपसे कोई मांगा तो अगर आपके पास है तो आपको ज़रूर देना चाहिए। मैंने तो चलो नया दे दिया, मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके दुकान के शोरूम में जाके ख़रीद के दे दो। जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे, जितना आपका दिल इतना करे, आपका बजट है, आप ज़रूर उसको गिफ्ट करें। इवन जितनी की चप्पल नहीं भी आती, फिर भी थोड़ा कुछ देख के भी आप उसको हेल्प कर सकते हो कि जाके वो उसके पास भी खुद के कुछ कुछ पैसे हों और आपने दे दिए तो वो दोनों मिला के ले सकता है, चाहे बच्चों की चप्पल हो चाहे बड़े की चप्पल हो, कुछ भी हो। ये हम लाए थे आइकिया से शू रैक उस दिन जब गए थे, जब मैंने बोला था कि मैं हॉल वीडियो दिखाऊंगी बट दिखा नहीं पाई, पर सामान ज़रूर दिखा दूंगी, घर में रख गया है वो सामान कि आइकिया से लाई थी। सो पहला ये है आइकिया से लेकर आई थी मैं शू रैक बाहर के लिए, ये वाइट कलर का है जो मेरे हस्बैंड अभी इसको लगा रहे हैं, एक घंटा हो चुका ऑलमोस्ट बनाने में इसको, तो ये जब बाहर रख जाएगा तो मैं फाइनल लुक दिखा दूँगी। दूसरे घर में जहाँ पहले रहते थे, यहाँ पर कुछ सामान है, कुछ नहीं बहुत कुछ सामान है, बहुत कुछ सामान है। वेट, यहाँ पे हम अपना तेल घी सारी बॉटल्स देखो ये पड़ी हुई हैं, ट्रे पड़ी है, ये सब लेने आए। अब लेने तो आ गए लेकिन कुछ लेके नहीं आए, लेके कैसे जाएंगे। ये पॉलिथिन मिल गई मुझे, इसमें ले जाएंगे। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि शू और चप्पल हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी की ज़रूरतमंद अगर आप पूरी कर सकते हो तो ज़रूर करो, मैं करती रहती हूँ, बट आज मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कि चलो शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो में आ गया था, क्योंकि मैंने उस दिन दिया था तो सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर तेल घी वगैरह बहुत सारा सामान था वो कलेक्ट करने आई थी, क्योंकि चाबी अभी ओनर को दी भी नहीं थी, क्योंकि पूरा घर क्लीन करके ही चाबी देनी होती है, तो हम फिर आराम से बाद में शिफ्ट किया था हमने अपना सामान जो बचा कुचा था। तो चलिए ये था मेरा एक ओल्ड ब्लॉग, जल्दी से एनरोल कर लीजिए जिस चीज़ का मुझे अनाउंसमेंट करना था आप सभी के लिए, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें एंड हैप्पी रहें सदैव। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड खूब सारे लाइक दें एंड शेयर दिस वीडियो जहाँ पे भी शेयर कर सकें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।